संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस भारत बंद में उनके साथ और भी बहुत सारे संगठन शामिल हैं। टिकैत ने आगामी 16 फरवरी को भारत बंद के दौरान किसानों से खेतों में काम नहीं करने की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि MSP, नौकरी, अग्निवीर और उप पेंशन के मुद्दे इस दौरान उठाएंगे। हमारा 16 फरवरी को भारत बंद है, उसमें बहुत सी यूनियन उसमें है, संयुक्त किसान मोर्चा है, और उस दिन किसान भी अपने खेत में एक दिन ना जाएं, एक दिन काम ना करें। पहले भी हम अमावस्या जब होती थी तो एक दिन खेत में काम नहीं करते थे, तो 16 फरवरी किसानों के लिए अमावस्या ही है, उस पर काम ना करें। एग्रीकल्चर हड़ताल इसमें रखा तो एक उससे देश में बड़ा मैसेज जाएगा, और हमारे दुकानदारों से भी अपील है, हमारे किसानों से भी अपील है, उस दिन शहर में ना आए, खरीदारी ना करें, और दुकानों से भी अपील है कि वो भी अपनी दुकानें बंद रखें किसानों के समर्थन में एक दिन, किसान और मजदूर के नाम। क्या मुख्य मांगे हैं इसके अंदर? मुख्य तो MSP गारंटी कानून का है, जो और बहुत से सवाल है, बेरोजगारी है, नौकरियां है, अग्निवीर है, तो ये सारे जो सवाल है ये उसमें रहेंगे। पेंशन का मामला है, जिन लोगों की नौकरी जा रही, रिटायर हो रहे हैं, तो पेंशन का भी देश में बड़ा इशू है। भारत बंद का मामला है, किसानों का भारत बंद है, किसानों ने दूसरे संगठन भी उसमें काम करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर है उनसे भी वो कराए कि वे भी एक दिन के लिए बंद रखे सब लोग। जैसे ड्राइवरों का हो गया था अभी, तो वापसी लिया, तो वो इशू भी इसमें रहेगा।